गुड मॉर्निंग क्लास. इन प्रीवियस टर्न आई हैव स्टार्टेड एक्सरसाइज 6.1 एंड आई हैव टॉट यू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, टुडे आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. राइट द ग्रेटेस्ट 2-डिजिट मल्टीपल ऑफ 3. हमें क्या करना है, क्या निकालना है, 2-डिजिट मल्टीपल ऑफ 3, ग्रेटेस्ट 2-डिजिट मल्टीपल ऑफ 3. ओके, इसका मतलब हुआ कि सबसे बड़ा 2-डिजिट 3 का मल्टीपल. ओके, 2-डिजिट ग्रेटेस्ट 2-डिजिट का 3 का मल्टीपल आपको निकालना है. तो हमने पिछले टर्न पे बताया था आपको मल्टीपल के बारे में, व्हाट इज मल्टीपल. मल्टीपल मींस ऐसा नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड काउंटिंग नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ दैट नंबर. ओके, तो मल्टीपल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, जो प्रोडक्ट आता है अगर हम उस जिस नंबर का हमें मल्टीपल निकालना हो तो उस नंबर में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो उस नंबर का मल्टीपल कहलाता है. ओके, जैसे कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पर 3 का मल्टीपल लिखाना है और ग्रेटेस्ट 2-डिजिट का होना चाहिए. तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपका ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर कौन सा होता है. तो यू नो वेरी वेल दैट ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर इज 99. ओके, 99 नॉर्मली आपका ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर होता है. ओके, ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर आपका क्या होता है, 99. अब हमें चेक करना है कि ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट 2-डिजिट 3 का मल्टीपल निकालना है. अब हमें चेक करना है कि 99 3 का मल्टीपल है कि नहीं. इसका मतलब ये हुआ कि 3 में हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसका प्रोडक्ट क्या आ जाए, 99 आ जाए. ओके, तो अब क्या करोगे, 99 को 3 से डिवाइड कर दो. देखिए यहाँ पर 3 3 जा 9 3 3 जा 9 33. ओके, तो हम यहाँ पर 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 99 प्रोडक्ट मिल जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि 99 जो है 3 का मल्टीपल्स है. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 99. ओके, फिर नेक्स्ट है आपका 3-डिजिट मल्टीपल ऑफ 2. अब यहाँ पर देखिए 2 का 3-डिजिट का मल्टीपल आपको निकालना है. तो बी जो है, पहले आप ये पता करिए, देखिए 3-डिजिट मल्टीपल ऑफ 2, ग्रेटेस्ट, यहाँ पर ग्रेटेस्ट 3-डिजिट. ओके, तो सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं ग्रेटेस्ट 3-डिजिट का, ग्रेटेस्ट नंबर. ओके, ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर. तो ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर आपका क्या हो जाएगा, आप जानते हो क्या होता है, 999. 999 इज ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर. ओके, अब हमें चेक क्या निकालना है कि 2 किसका मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल हो. तो आप देखिए ये 2 का मल्टीपल है कि नहीं है, चूँकि आप जानते हो कि 9 है लास्ट में. ओके, तो ये क्या है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. ओके, जब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब कि ये 2 का मल्टीपल नहीं हो सकता है. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 का मल्टीपल नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा. हमें निकालना है ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर, वो नंबर जो 2 का मल्टीपल हो. तो हम इसमें 1 लेस कर लेते हैं. ओके, सपोज़ कर 998, 1 लेस कर लेते हैं अगर हम 998, तो ये हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 2. देखिए 998 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा. अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 4, देखिए 2 4 जा 8. ओके, 9 में से 8 1 या 9 हुआ, 2 9 जा 18, फिर यहाँ 1 बचा, 18 8 हमने नीचे राइट कर लिया, फिर 2 9 जा 18, 499. तो दिस मीन्स ये हमारा 998, यहाँ पर आप लिखोगे मल्टीपल ऑफ 2 इज 998. ओके, ये हो गया हमारा आंसर. इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है. देखिए, इन सर्किल द नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3, पुट स्क्वायर अराउंड द मल्टीपल ऑफ 6, लिस्ट देयर कॉमन मल्टीपल्स.
सबसे पहले ये जो बना हुआ है यहाँ का जो काउंटिंग नंबर दी गई है, हमें क्या करना है, इन सर्किल द नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ थ्री। हमको ऐसे नंबर को सर्किल करना है जो थ्री का मल्टीपल्स हो। तो थ्री का मल्टीपल्स मीन्स थ्री का टेबल। ओके, थ्री का मल्टीपल्स क्या हुआ, थ्री का टेबल हुआ। थ्री का, थ्री में हम वन टू काउंटिंग एकदम सीरीज वाइज वन टू थ्री फोर का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। टेन से आगे भी हम कर सकते हैं, टेन से आगे एलेवन का मल्टीपल करेंगे, ट्वेल्व का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट जो आएगा वो मल्टीपल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले, सबसे पहले हम थ्री का मल्टीपल्स निकालेंगे और उसे हम क्या करेंगे, पुट स्क्वायर अराउंड द मल्टीपल्स ऑफ सिक्स। हमें थ्री के मल्टीपल्स को इनसर्किल करना है। तो चलिए, ये हमारा हो गया थ्री, थ्री टू जा सिक्स, ओके, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, थ्री टेन जा थर्टी। ओके, हमने इनसर्किल कर लिया थ्री के मल्टीपल्स को। अब पुट स्क्वायर अराउंड द मल्टीपल ऑफ सिक्स। अब हमें सिक्स के मल्टीपल को क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। तो हम सिक्स के मल्टीपल्स मीन सिक्स का टेबल, तो ये हो गया हमारा सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स थ्री जा एटीन, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, सिक्स फाइव जा थर्टी। ओके, हमने इसे स्क्वायर कर लिया। अब हमें क्या निकालना, लिस्ट देयर कॉमन मल्टीपल। अब हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ थ्री एंड सिक्स। तो कॉमन मीन्स क्या हुआ, जो दोनों में हो, जो थ्री में भी हो सिक्स में हो। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो सर्किल और स्क्वायर जिस डिजिट में दोनों बना हुआ है वो कॉमन हो गया। यहाँ देखिए सिक्स, सिक्स कॉमन मल्टीपल हो गया, और ट्वेल्व, ट्वेल्व कॉमन मल्टीपल हो गया आपका, एटीन, एटीन कॉमन मल्टीपल हो गया, फिर आपका ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर कॉमन मल्टीपल हो गया, उसके बाद आपका थर्टी, थर्टी आपका कॉमन मल्टीपल हो गया। ओके, इस तरह से बच्चों हम कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। यही सेम, यही क्वेश्चन आपका एट है, इसे आप खुद से करिएगा, डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर एफ और जी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, नाइन और टेन का हमें मल्टीपल्स राइट करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन का, आपको मल्टीपल ऑफ नाइन और मल्टीपल ऑफ टेन राइट करना है। ओके, उसके बाद आपको दोनों में से टू कॉमन, ओके, तो ये तब तक हम मल्टीपल्स लिखते जाएंगे जब तक कि हमें दोनों में कॉमन ना मिल जाए। ओके, तो नाइन का मल्टीपल्स हम यहाँ राइट करते हैं, नाइन टेबल लिखते चले जाएंगे आप आगे, फिर मल्टीप्लाई करते चलेंगे। नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव, नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर, सिक्सटी थ्री, नाइन एट जा सेवेंटी टू, नाइन नाइन जा एट्टी वन और नाइन्टी। ये हो गया टेन तक। इसमें हम एलेवन का मल्टीप्लाई करेंगे नाइन में, तो नाइन्टी नाइन। ओके, ट्वेल्व का मल्टीप्लाई करेंगे नाइन में, तो वन हंड्रेड एट। इसी तरह से अब हम टेन का मल्टीपल राइट कर देते हैं। जब तक हम, अगर हमें इसमें टू को कॉमन नहीं मिलता तो हम इसके आगे भी मल्टीपल लिखेंगे नाइन का। ओके, चलिए टेन वन जा टेन हो गया, ट्वेंटी इसको तो आप आसानी से कर सकते हो, फोर्टी, फिफ्टी, सिक्सटी, सेवेंटी, एट्टी, नाइन्टी, ये हो गया हंड्रेड। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं पहले हमें टू कॉमन मल्टीपल मिले या नहीं मिले। तो चूंकि इसमें देखिए जो आपका जीरो डिजिट है, सारे फर्स्ट वंस जो है आपका जीरो डिजिट है, इसलिए इजीली आप समझ सकते हो कि जहाँ जीरो डिजिट होगा वो आपका कॉमन होगा। तो यहाँ हमें नाइन्टी दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है मिल गया। अब हमें सेकेंड निकालना है, तो हमें इसका मतलब ये हुआ कि हमें नाइन का टेबल और तब तक लिखना पड़ेगा, तब तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब तक हमें जीरो ना मिल जाए। ओके, यहाँ देखिए ट्वेल्व नाइन जा वन हंड्रेड एट, अब हम थर्टीन का मल्टीप्लाई करेंगे नाइन में। अब ये देखिए हमने टेबल राइट कर लिया, यहाँ पर हमने ट्वेल्व से मल्टीप्लाई, ट्वेल्व नाइन जा वन हंड्रेड एट, थर्टीन नाइन जा
117, 14, 9 जा 126, 15, 9 जा 135, 16, 9 जा 144, 17, 9 जा 153, 18, 9 जा 162, ओके 19, 9 जा 171 और जो है 29 जा 180, ओके। अब हम यहाँ देखते हैं हम यहाँ तक हमें कामन मिलता है कि नहीं मिलता है, ओके। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे 100, देखिए यहाँ 10 का मल्टीपल देखेंगे 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। ये देखिए 180 ये हमें यहाँ पर कॉमन मिल गया। दिस मीन्स टू कॉमन मल्टीपल्स हो गए आपके, टू कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हो गए आपके 90 और 108, ओके। तो हमें 9 और 10 की टू कॉमन मल्टीपल्स मिले 90 और 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जी आपका 2, 3 और 5 का हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। तो सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 3 और मल्टीपल्स ऑफ 5 अलग अलग हम राइट कर लेंगे। जब तक हम तब तक राइट करेंगे जब तक हमें तीनों में कॉमन ना मिल जाए। तो सबसे पहले 2 का मल्टीपल्स हम राइट करते हैं 2, 1 जा 2, 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24। यहाँ पर एक चीज़ आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, यहाँ पर देखिए 5 है, अगर कॉमन अगर आपको कॉमन तीनों में लेना है तो इसका मतलब 5 में भी कॉमन होना चाहिए। लेकिन 5 में जब आप टेबल पढ़ते हो तो 5 के टेबल में या तो वंस में 0 आता है या फिर 5 आता है, ओके। जब भी आप 5 का टेबल पढ़ोगे 5, 1 जा 5, 10, 15, तो वंस में आपका या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के टेबल में वही 2 के टेबल में तो 5 आएगा नहीं वंस आपका, ठीक है, वंस में तो 5 आएगा ना, लेकिन 0 आ सकता है। तो दिस मीन्स 2 के टेबल में कॉमन कौन सा हम नंबर हो सकता है जिसमें 0 हो। 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। चलिए 3 का मल्टीपल सब राइट करते हैं हम, 3, 1 जा 3, 2 जा 6, 9, 18, 3, 6 जा 18, 21, 24, 30। अब हम यहाँ तक 10 हो गया, अब हम इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 से करेंगे, 11, 3 जा 33, 12, 3 जा 36, 13, 3 जा 39, 14, 3 जा 42, 15, 3 जा 45, 16, 3 जा 48, 17, 3 जा 51, 18, 54, 19, 57, 19, 3 जा 57, 20, 3 जा 16, ओके। अब हम 5 का टेबल भी राइट कर लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85। यहाँ पर देखिए 5, 10 जा 50, उसके बाद हम 11 का मल्टीप्लाई करें, 11, 5 जा 55, 12, 5 जा 60, 13, 5 जा 65, 14, 5 जा, इस तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे। अब हम पहले इसमें देखते हैं कि कोई नंबर हमें कॉमन मिला या नहीं मिला। तो यहाँ पर देखिए 6, 6 इसमें तो कॉमन है, लेकिन 5 के टेबल में 6 नहीं आएगा, आप जानते हो अच्छे से,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है जीरो डिजिट या फाइव डिजिट, देखिए जीरो डिजिट इसमें है, जीरो डिजिट इसमें है, जीरो डिजिट इसमें होने चाहिए और जीरो डिजिट इसमें भी होने चाहिए, तभी ये तीनों कॉमन हो पाएंगी। ओके, तो हमें जीरो डिजिट पर ही ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर देखिए 10, ओके, थ्री के टेबल में तो 10 आएगा नहीं, यहाँ पे थ्री के टेबल में कब आया जीरो डिजिट, 30, तो इसमें 30 और मल्टीपल ऑफ 5 इज 30। ओके, तो हम यहाँ पर देखिए 30, 30 और 30 ये तीनों कॉमन हो गया। ओके, तो हम इसको सर्किल कर लेंगे, ये हो गया 30, 30 और फिर इसमें ये 30 कॉमन हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 30 कब आया, जब 10 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तब इसमें जीरो डिजिट आया। ओके, और जीरो डिजिट ही कॉमन होगा, तीनों में जीरो डिजिट ही कॉमन होगा, कोई और नंबर कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो 5 या जीरो ही डिजिट आएंगे वंस में, आप देख सकते हो, लेकिन 5 3 के मल्टीपल्स में वंस में नहीं आएगा, और जो है सॉरी 3 के मल्टीपल्स में तो आएगा ही, 2 के मल्टीपल्स में 5 नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए जो तीनों में कॉमन क्या होगा, जिसमें वंस में जीरो डिजिट होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए 30 10 का जब मल्टीप्लाई हुआ था, 3 में 3 10 जा 30 तब आया था, उसके बीच में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो डिजिट वंस में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 11 12 इन सब से तो जो है जीरो डिजिट, देखिए यहाँ पर 60, यहाँ पर 60 है, जब डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई हुआ 2020 से 3 में, तब यहाँ पर वंस में जीरो डिजिट आया। अब ये 60 क्या हो जाएगा, 62 का भी मल्टीपल्स होगा, यहाँ हम आगे राइट करते जाएंगे तो ये 2 का भी मल्टीपल्स हो जाएगा। ओके, 52 54 56 58 और ये 60, देखिए ये 2 का मल्टीपल्स हो जाएगा 60, ये हो गया 60 आपका, ये 60, देखिए इसमें ये 60, इसमें तीनों में 60 60 60 और 30 30 30 तीनों में कॉमन होंगे, तो हमारा 2 कॉमन मल्टीपल्स हो गया। तो बच्चों इस तरह से आप जो है कॉमन मल्टीपल्स राइट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर पेयर्स इन शेडेड एरियाज, कॉमन मल्टीपल्स आपको राइट करना है। ओके, शेडेड एरिया, जो शेडेड एरिया है इसमें कॉमन कॉमन, देखिए ये 2 सर्किल हैं आपके पास, 2 सर्किल हैं, इन दोनों का ये क्या है, कॉमन पार्ट है, मतलब ये पार्ट इस सर्किल में है और ये पार्ट इस सर्किल में है, यानी कॉमन पार्ट ये क्या हो गया, दोनों सर्किल का कॉमन पार्ट ये हो गया। ओके, तो इस कॉमन पार्ट में हम इन दोनों नंबरों का कॉमन नंबर शो करेंगे। ओके, तब यहाँ देखिए मल्टीपल्स ऑफ 3 अप टू 39, मतलब हमें 3 का मल्टीपल्स लिखना है 39 तक। ओके, और हमें इस सर्किल में 4 का मल्टीपल्स लिखना है 40 तक, लेकिन उसमें से जो नंबर कॉमन होंगे उनको हमें क्या करना है, इसमें कॉमन मल्टीपल्स जो दोनों में होंगे उसे हमें इस जो कॉमन पार्ट है उस एरिया में राइट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 का जो है मल्टीपल्स राइट कर लेते हैं, फिर हम 4 का मल्टीपल्स राइट कर लेते हैं। ओके, फिर हम उसमें देखते हैं कि हमारा कॉमन नंबर कौन कौन सा है। मल्टीपल्स ऑफ 3, हम मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखिए, हम 3 का टेबल लिखेंगे, उसके आगे हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, 6 9, हमें कहाँ तक लिखना, 39, आपको 3 का मल्टीपल्स आपके देखिए बुक में दिया गया है कहाँ तक, 39 तक, तो हम 39 तक ही राइट करेंगे। 5 15 18 21 24 27 30 33 36 39, ये हो गया हमारा 39 तक 3 का मल्टीपल। अब हमें 4 का मल्टीपल कहाँ तक लिखना, 40 तक, यहाँ पर देखिए आपकी बुक में राइट है 4 अप टू 40, तो हमें केवल 40 तक ही राइट करना है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, बस हमें 40 तक राइट करना था। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है,
कॉमन आपका 12 है, ओके। फिर आपका कॉमन जो है 24 है, 24 कॉमन हो गया। फिर आपका 30, देखिए 32 कॉमन नहीं है, आपका 36 कॉमन है, 36 कॉमन। इस मीन्स कॉमन आपको क्या मिले, कॉमन आपको मिले 12, 24 और 36। अब इस कॉमन नंबर को हमें कॉमन जो हमारा सर्किल है उसमें कॉमन पार्ट में राइट करना है। आप देखिए कि आपकी बुक में ये सर्किल बना हुआ है ऐसे कि यहाँ पर हमें 3 के कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, इसमें 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं और इसमें 4 के, इसमें 3 के मल्टीपल्स, और इस पार्ट में आपको कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, ओके। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉमन मल्टीपल्स इसमें राइट कर लेते हैं 12, 24, 36। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉमन मल्टीपल्स हैं ये इस सर्किल में भी हैं और ये इस सर्किल में भी हैं, ओके। अब जो बचे हुए नंबर हैं उनको हम यहाँ पर राइट करेंगे। चलिए 3 का मल्टीपल्स राइट करते हैं, तो ये हो गया 3, 6, 9, 15। जो बचे हुए नंबर हैं उनको हम इन सर्किल में लिखेंगे क्योंकि जो मल्टीपल्स थे वो इसमें ज्वाइंट हो गए हैं, कॉमन हो गए हैं, ओके। तो 15 हो गया आपका, 18, 21, 27, 30, 33, 39, ओके। इसी तरह से 4 के जो बचे हुए जो मल्टीपल्स हैं जो कॉमन नहीं है उनको हम यहाँ राइट करेंगे इस वाले पार्ट में। ये हो गया 4, 8, 16, 20, 28, 32, 40। ये हो गया हमारा कॉमन मल्टीपल्स, ये हमारा कॉमन मल्टीपल्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12, 24, 36 इस पार्ट में भी हैं, इस पार्ट में, क्योंकि ये जॉइंट है ना, ये कॉमन पार्ट हो गया। तो ये हमारा इस तरह से हम शो करते हैं सर्किल के फार्मूले से, ठीक। तो बच्चों ये देखो इस तरह से आप कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल इसी तरह से, इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लोगे, ओके। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप उससे डाउट क्लास में क्लियर कर सकते हो, ओके।